जालौन में कोटेदार अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर धरने पर बैठ गए और उन्होंने सरकारी खाद्यान्न उठाने का एक साथ बहिष्कार कर दिया। मामला पोंछ तहसील का है, जहां पर पोंछ तहसील के सभी कोटेदार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए और अपनी मांगे पूरी न होने तक सरकारी खाद्यान्न के उठाने का विरोध किया। कोटेदारों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी कोच को सौंपा। कोटेदारों का कहना है कि अगर शासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हमारा विरोध जारी रहेगा और हम कोई भी सरकारी कार्य नहीं करेंगे और न ही खादान का उठान करेंगे। उनका यह भी कहना है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत उनको डोर टू डोर खादान पहुंचाया जाए, साथ ही अभी तक का भाड़ा पिछले कई सालों से सरकार ने नहीं दिया उसको भी तुरंत दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने ई पास मशीन चलाने के लिए व उसके रख रखाव के लिए 30,000 रुपये महीने अतिरिक्त मांग की है। जो हमारी सरकार की नियामक मांगे हैं उनके नियम को हम फॉलो कर रहे हैं। तो सरकार ने अभी तक हमारे नियम जो है कि उनके जो नियम है हम तो फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो शोषण हो रहा है वो बराबर शोषण करते रहते हैं। हम अपनी मांग रखते हैं, हमें भाड़ा भी नहीं मिलता, कुछ बुरी चीज़ नहीं देते। अभी जो हमारा 10 रुपये का भाड़ा पड़ा पिछला वो भी नहीं मिला, अभी पूरे एक साल होने को जा रही है। इसलिए हमने इसी पीरियड में धरना प्रदर्शन किया कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में उत्थान चल रही है वो टोटल बंद कर दी गई। जो हमारी मांगे हैं अभी अभी हमें दिल्ली प्रदर्शन हुआ था उसमें भी रखी गई थी, तो अभी सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया। इसलिए अब हम अपने धरना प्रदर्शन करके उनको अवगत कराएंगे कि जो हमारी मांग है, जो आपके निर्देश हैं, हमने जो फॉलो किए वो उसका शासन के जो निर्देश के हिसाब से हमको माल दिया जाए। क्योंकि हम आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे 5 मांगे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013 के अनुपालन में डोर टू डोर डिलीवरी लागू करने तक धरना जारी रहेगा। न्यूज बीके के लिए कोच से दुर्गेश कुशवाहा की रिपोर्ट।